लोर में क्षेत्र में ही हो रही लगातार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों के घरों में पानी घुस रहा है तो कई गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। वहीं लोगों ने बताया कि 7-8 वर्षों बाद ऐसा मनियारी नदी का नजारा देखने को मिल रहा है। अब गौरतलब है कि शनिवार को लगातार भारी बारिश हो रही है जो कि पूरे दिन और रात तक चलती रही, जिससे लोगों के आम जीवन में काफी फर्क पड़ा है। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण खुड़िया बांध के वेस्ट वियर में अपने पूरे पूरे शबाब पर है, जो कि करीब 3 फीट से ऊपर चल रहा है, जिसके कारण मनियारी नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाले कारी डोंगरी की सड़क पर बने पुल में पानी ऊपर बहने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है। दरअसल प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले घरों को तो खाली करवा दिया, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने के आस में नगर पंचायत कार्यालय के महीनों चक्कर काटे, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिला, लिहाजा वे अपने कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। आरोप है कि नगर पंचायत में बकायदा सभी परिवार के लोग जो मनियारी नदी के आसपास रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके द्वारा नगर पंचायत में मकान टैक्स दिया जाता है। बावजूद इसके गरीब परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों वंचित किया गया है, ये समझ से परे है। इस पूरे मामले में नगर पंचायत के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है कि गरीब तबके के लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि कई अपात्र लोगों के नाम पर आवास की स्वीकृति दे दी गई है। खुड़िया जलाशय का वेस्ट वेयर 2-3 फीट झरने के रूप में चल रहा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई लोग यहां जान जोखिम में डालकर सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।